बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला वअन्तुम मुस्लिमून वअ'तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रुकू। बुजुर्गों, भाइयों, इस्लामी माओं और बहनों, सूरह आल इमरान पर हम एक तदब्बुराना नजर अव्वला मर्रतिन अतदब्बरुल कुरान इस किताब के हवाले से डाल रहे हैं। किताब में कल के दर्स में हमने कल की मजलिस में ये जाना कि शेख ने बताया कि पूरी सूरह आल इमरान को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। इब्तिदा से आयत नंबर 120 तक खारजी तौर से मुसलमानों को जो चैलेंज पेश आते हैं, शुबहात और अकायद और दीन की ईमानियात पर हमले, उनका मुकाबला कैसे किया जाए, और दूसरा हिस्सा जो 121 आयत से आखिर तक 200 नंबर की आयत तक बयान की गई है कि हमारे दाखिली तौर से मुसलमानों की मजबूती और साबित कदमी कैसे हासिल की जाए। इस जिम्न में दोनों हिस्सों के मजामीन का तस्किरा किया गया। अब आगे शेख ने कहा कि हम अब यहां रुकते हैं कि पहले किस्म और दूसरी किस्म के दरमियान क्या ताल्लुक है, और कुछ मुश्तरक अवामिल को जो यहां और यहां दोनों जगह पाए जाते हैं उनका तस्किरा करें। यहां दो नुकात का जिक्र किया। पहला ये कि शख्सियात से पर अपने मामले को, दीन को, शरीयत के मामले को शख्सियात पर मरकूज ना किया जाए, बल्कि फिक्र पर, मकसद और हदफ पर, और हमारा जो तरीका कार है, दीन है, उस पर हमारी तवज्जो मरकूज होनी चाहिए। जैसा कि कल के आखिरी नुक्ते में गुजरा दूसरे हिस्से के हमारा दीन हमारे जिंदगी के मकासिद का ताल्लुक किसी शख्सियत से बदा टिका नहीं होना चाहिए, बल्कि उसूली एतबार से अल्लाह तबारक व तआला के दीन और हमारे जिंदगी के मकसद से जुड़ा होना चाहिए। अगर कोई हमारा कायद, कोई शख्सियत हमारे साथ काम कर रही है, फर्ज कीजिए कि उसका इंतकाल हो जाए या वो हमारे साथ न रह जाए, तो क्या हम काम करना छोड़ देंगे? नहीं, शख्सियत से ताल्लुक ना रखा जाए, बल्कि फिक्र और हदफ पर तवज्जो को मरकूज किया जाए। चुनांचे इस नुक्ते को पहले किस्म में और दूसरे किस्म में कैसे बयान किया गया, बहुत ही इख्तिसार के साथ शेख ने पेश किया था कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने मसीह इब्ने मरियम को आसमान की तरफ उठा लिया तो नसारा फितने में पड़ गए और गुमराहियों का शिकार हो गए, तरह तरह की बदअकीदगियों की तरफ चले गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब उठा लिए गए, गोया उन्होंने अपने दीन को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत से जोड़ रखा। अगर वो उसूल, मनहज और हदफ पर नजर रखते तो हज़रत ईसा के दुनिया से उठा लिए जाने के बावजूद अपने दीन पर सच्चाई और अच्छाई के साथ कायम रहते, मनहज से, दीन के उसूलों से हटते नहीं। ये पहली किस्म में बताया। तो ये बात जो पहली किस्म में नजर आती है कि शख्सियत से ताल्लुक रखकर हदफ पर निगाह ना होने का नतीजा क्या निकलता है, ये दूसरी किस्म में इसकी तरफ इशारा है कि जब ग़ज़वा उहुद के दरमियान पीछे से खालिद बिन वलीद के हमले के दस्ते ने हमला किया, मुसलमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान फासला हो गया, आप कुफार के नरले में गिर गए, तो उस वक्त जब हमा हमी और अफरा तफरी का माहौल जो पैदा हुआ, उसमें ये अफवाह उड़ गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए। इसकी बुनियाद पर कई मुसलमान बददिली का शिकार हुए, पास मैदान से निकल गए, पास बैठ गए। तो ये जो सूरत हाल थी ये शख्सियत से ताल्लुक वाली ही थी। चुनांचे इन्होंने कहा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की गलत खबर को फैलाया गया मुसलमानों में, तो करीब था कि मुसलमान फितने में पड़ जाएं। उनकी ये कैफियत थी कि बददिली का शिकार हो जाएं, लेकिन पास दूसरे मुसलमानों ने हौसला दिया। जैसे अनस बिन नज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मैंने तज़किरा किया था, ये जंगे बदर में शरीक नहीं हो पाए थे, लिहाजा इन्होंने कहा कि अगर कभी अब मौका मिला तो मैं अपनी जाबाजी और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी के जरिए दिखाऊंगा। चुनांचे बदर का उहुद का ये माहौल जब था, हज़रत अनस बिन नज़र मैदान की तरफ लपके बड़े, लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो, कहा मुझे
खुद की तरफ से जन्नत की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, तो कहा तुम क्यों बैठ गए, उठो और जिस मकसद के तहत आपने अपनी जान लगा दी आप भी उस मकसद के लिए जिंदगी की बाजी लगाओ, उसके लिए अपनी कुर्बानियां पेश करो। यह है अनत बिन नजर का जो जुमला था ये लोगों के लिए हौसला बख्श था और यही सबक हमारे लिए ताजा करता है कि हमें शख्सियत से नहीं उसूल और ज़ाब्ते से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ एक उसूल में बयान कर रहा हूँ, जहां तक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शख्सियत की बात है तो आपकी शख्सियत का जो मकाम और मर्तबा है उससे कतई इंकार नहीं है, उसके बगैर आप उसको माने बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। आपकी रिसालत को माने बगैर आपसे अल्लाह के बाद कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत और आपकी इत्तेबा किए बगैर कोई शख्स जन्नत के रास्ते पे चल ही नहीं सकता, ये अपनी जगह। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारे दरमियान मौजूद हैं तो हम दीन पर अमल करेंगे, आप मौजूद नहीं हैं तो नहीं करेंगे, ये तरीका गलत था। चुनांचे इसकी तरफ इशारा किया कि उहुद में इस गलत खबर के फैलने पर ऐसा मिजाज करीब था कि पैदा हो लेकिन उसकी इस्लाह हो गई, सहाबा कराम उसमें आगे नहीं बढ़े। ये पहला नंबर की बात थी कि शख्सियात से नहीं मकसद से इंसान को जुड़ना चाहिए। दूसरे नंबर पर कि इत्तेबा का वाजिब होना और उसकी अहमियत दोनों हिस्से में, जो सूरह आल इमरान का पहली किस्म है मज़मून की और दूसरी किस्म, उसको दो नुक्ते बताया कि पहली किस्म में ये बात आयत नंबर 52 में नजर आती है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा का जिक्र किया और कहा फलम्मा अहस्सा मिन्हुम अल-कुफ्रा क़ाला मन अंसारी इलल्लाह। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कुफर का एहसास किया कि ये मेरा इनकार करेंगे, सच्ची दावत को कबूल नहीं करेंगे, तो हज़रत ईसा ने पूछा कि कौन है जो अल्लाह के सिलसिले में मेरी मदद करे, खालिस दोस्तों ने, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं हज़रत ईसा के हवारियीन, उन्होंने कहा कि हम आपका साथ देंगे, आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वशद बिअन्ना मुस्लिमून, और आप गवाह रहिए कि हम मुसलमान। आगे और भी उनके जुमले नकल किए, ये हवारियों का मौकिफ मुलाहदा फरमाइए, नबी का साथ दे रहे हैं कि हम अल्लाह के दीन के सिलसिले में आपकी मदद करेंगे, तो ये अल्लाह के रसूल की पैगंबर की इत्तेबा का वाजिब होना और इसकी अहमियत नजर आती है, ये बहुत अहम है। ये पहले हिस्से में ये पूरा वाकया पढ़िए, हज़रत ईसा की इत्तेबा की अहमियत और वजूद मालूम होता है। दूसरी किस्म में आयत नंबर 146 और 153, जैसे आयत में अल्लाह ने फरमाया वकअय्यिन मिन नबिय्यिन आतल माहु रिब्बीयून कसीर फमा वहनू लिमा असाहुम फी सबीलिल्लाह वमा दअऊहु वमा इस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। कहा कि बहुत सारे लोगों ने वकअय्यिन मिन नबिय्यिन, की बहुत सारे नबी हैं जिनके साथ अल्लाह वालों ने क़िताल किया, जंग की, जान की बाजी लगाई, अब इस रास्ते में वो पस्त नहीं हुए, कमजोर नहीं पड़े, ना दबे और ना हटे, ना कमजोर पड़े और ना दबे, और अल्लाह सब्र करने वालों को, राह हक में जम जाने वालों को पसंद करता है। सब्र की अहमियत सुबह के दर्स में हमने कुछ तफसील से बयान की है, जिन लोगों ने सुना होगा वो समझ सकते हैं, वो मानी को अपने दिमाग में रखे, यहाँ वल्लाहुस्सादरीन के माना को समझे। तो यहाँ देखिए कि अल्लाह ताला उभार रहा है कि हमारी आपकी निजात, हमारे आपका अल्लाह के यहाँ काबिले कबूल होना, बुलंद दर्जा हासिल करना, अल्लाह की मदद का मुस्तहिक बनना, ये सारी बातें मुनहसिब है कि हम दीन के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिस इत्तेबा और पैरवी करें, आपके अहकाम के ताबेदार बन जाएं। ये गारंटी है अल्लाह ताला के पसंदीदगी की, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करेगा जो इस राह में नबी के साथ खड़े रहें। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग का मामला था, आज अल्लाह के नबी का दीन है हमारे सामने, आपकी सुन्नतें और तालीमात हैं, उस पर जमना होगा। अब इन्होंने आगे एक उनवान कायम किया कि वो असबाब और वसाइल जो साबित तलबी के अंदर मददगार होते हैं। सूरह आल इमरान के मजामीन में जैसा कि बयान किया गया था कि इस सूरत का महवरी और मरकजी उनवान क्या है, दीन पर जम जाना, साबित कदम रहना, अपने आप को मजबूत बनाना, तो कौन से असबाब है। इन्होंने 5 आयतों को 5 मकाम से जिक्र किया है, हम तेजी से सरसरे तौर से पढ़ें। सबसे पहली बात कि तमस्सुक बिल कुरान व सुन्ना, कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना, साबित करने के लिए, दीन पर जमे रहने के लिए, गुमराही से बचने के लिए ये जरूरी है।
आयत पेश किया आयत नंबर 101 वकैफ तकफुरून वअंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, तो कैसे कुफर कर सकते हो जबकि तुम पर अल्लाह की आयतों की तिलावत की जाती है, वफीकुम रसूलु और तुम्हारे बीच में उसका रसूल भी मौजूद है, अल्लाह की आयतें हैं और रसूल है, आज हमारे दरमियान कुरान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, तो इसके होते हुए कुफर करना कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है, नहीं करना चाहिए। वो मैयातसिम बिल्लाह, जो अल्लाह को मजबूती से पकड़ ले, इतिसाम बिल्लाह का मतलब क्या होता है, अल्लाह पर भरोसा करना और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को मजबूती से थाम लेना, जो अल्लाह तबारक व तआला को पकड़ेगा मजबूती से यानी उसके दीन को थाम कर अल्लाह तबारक व तआला के भरोसे है अपनी जिंदगी गुजारेगा। आज मुसलमानों को इस सबक की बुनियादी जरूरत है साबित करने की, इधर उधर दौड़ रहे हैं इसीलिए अल्लाह की मदद से, मैंने कल इससे पहले के दर्श में बात आई थी शेख रबी के हवाले से कि मुसलमानों की मदद क्यों नहीं हो रही है जब उन्होंने तौहीद को दीन की बुनियाद को जाय किया, अल्लाह की मदद से महरूम हो गए, अब जंग कर रहे हैं, चीख पुकार कर रहे हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं, हम मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं हम सुनते हैं कुरूत नाजिला पढ़ते हैं कि मुसलमानों पर उफ्ताद पड़ गई है, लोगों ने हमला कर दिया, हाँ बम बरसा रहे हैं शाम में फला जगह चेचनिया में बोस्निया में हिंदुस्तान के किसी हिस्से में, अब यहाँ के करीब के मुकाबले में हिंदू फिरका वास्तों की जानिब से जो हमले हो रहे हैं, सुन सुनकर पढ़ पढ़कर खबरें हम अपने दिन को जो है कमजोर कर लेते हैं, हौसले हारने का अंदाज इख्तियार करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई दुश्मन कोई मुखालिफ ऐसा नहीं है जिससे हमें डरने की जरूरत है, हमें अगर डरना है तो सिर्फ इस बात से कि हमारा ताल्लुक अल्लाह से कमजोर हो जाए, दीन से कमजोर हो जाए, हम गुनहगार हो जाए, हमारे लिए सबसे ज्यादा डरने की चीज गुनाह है और गुनाह में सरे फहरे शिर्क और बिदअत है, अगर ये है तो अल्लाह से डरना चाहिए, एक छोटी से छोटी ताकत भी हमको नुकसान पहुंचा सकती है, और अगर ईमान मजबूत है अल्लाह पर तवक्कुल है दीन पर अमल है हमारा, तो फिर वक्त का कोई नमरूद कोई फिरौन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम को उनके मानने वालों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जुमला जो मैंने नमरूद और दो नबियों का लेकर कहा इशारे की तरफ के हमारे दरमियान उनका वाकया है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने वहां मदद की थी इब्राहिम के लिए आग को ठंडा कर दिया था, वही अल्लाह ताला हमें भी बचा सकता है और बचाने की पूरी कुदरत रखता है, लेकिन हम उसकी मदद के अपने आप को मुस्तहिक बनाए तब, तो उसकी बुनियाद क्या है कि हम अल्लाह ताला को मजबूत थाम ले रहे, कुफ्र से बचे, जो गलत अफकार और फिक्रे हमारे दरमियान है, देखिए आज मुझको मैं खुल के बोलू तो बुरा ना माने, मुसलमान कहलाने वाले लोगों में कौन सा शिर्क की कौन सी किस्म है जो नहीं पाई जाती, हिंदुओं का शिर्क हो ईसाइयों का शिर्क हो यहूदियों का शिर्क हो मुल्हिदीन का शिर्क हो, मुसलमानों में हर किस्म का शिर्क पाया जाता है, हिंदुओं के यहाँ वैदतुल वजूद है जितने कंकर उतने शंकर हर चीज में भगवान परमात्मा बोलते हैं, हमारे यहाँ सूफियों के यहाँ यही अकीदा है वैदतुल वजूद सब चीज में अल्लाह है, मूर्ति में भी अल्लाह है, हिंदू पूज रहे उसकी उसमें भी अल्लाह है, ये मैंने बताया था देवबंद के मुफ्ती साहब भी भरी मजलिस में कह रहे हैं साये के हाथ सही बात है, इंतहाई गलत बात है, हिंदुआना अकीदा है ये सूफी और इब्ने अरबी का अकीदा जो ये कहते हैं कि कुरान शरीफ सिखाता है उनकी तालीम में तौहीद है, कितनी बड़ी जुरत हो जाए सारा तरफ गुस्सा भी है, अल्लाह तबारक व तआला का ये कुरान किताब हिदायत है, इसके नुज़ूल की बुनियाद पर जश्न मनाया जा रहा है ये रमजान मुबारक के रोजे क़ियामुल लैल इबादतें, ये इसी की मुनासबत से इतनी फजीलतें और इतना एहतमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए किया कि हम कुरान से जुड़ जाए कुरानी इंसान बन जाए, और उसी सिलसिले में हम ये कोशिश कर रहे हैं अल्लाह हमें इख़लास दे, तो बहरहाल मुसलमानों में हम कोई वजहतुल वजूद हिंदुओं वाला पाया जाता है, कोई कह रहा है हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा, हमारे यहाँ ऐसे हैं कब्र पर शख्सियत पर जो कहते हैं कि जो अल्लाह है वही मोहम्मद है वही जो मुस्तफी अरिश्ता हो खुदा बनकर उधर पड़ा है मदीने में मुस्तफा बनकर, क्या फर्क है क्या, वो कह रहे हैं बेटा बेटा बाप का जूस या गुनसूर होता है, हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह का जूस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा ना कहें, लेकिन नतीजा तो वही कह रहे हैं, औलिया सालेहीन और बुजुर्गान दीन के सिलसिले में ये मानते हैं कि वो इल्म गैब रखते हैं वो कायनात में तसव्वुर रखते हैं, अल्लाह औलाद नहीं दे रहा है फला बुजुर्ग की दरगाह पर चले जाएंगे तो औलाद भी जाएगी, ठीक है मुस्लिमों का जो शिर्क है वो ये मुसलमानों में नहीं कुफार मक्का भी तो ये कहते थे, तो अब शिर्क हम कर रहे हैं बिदअत खुराफात कर रहे हैं, कुरान हदीस को मानने के लिए तैयार नहीं है, कुरान हदीस के मुकाबले में नए नए काम और बिदअत खुराफात का इंतकाम कर रहे हैं, और फिर ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह की मदद आएगी, नहीं आएगी,
अल्लाह की मदद आने की पहली बुनियाद हम दीन पर साबित कदम रहे, और साबित कदम रहने के लिए ये जरूरी है कि अल्लाह के दीन को मजबूत पकड़े, रसूल की तालीमात को पकड़े, इधर उधर नहीं जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुकाबले में हमारे दरमियान आते हैं, वो ऐसे बुजुर्ग हैं, वो हवा में उड़ते थे, वो पानी में चलते थे, वो करामत करामत खेलते थे, वो ईशा के वजू से इतने सालों तक फजर की नमाज पढ़ी, ये किया वो किया, क्या मतलब? चलिए ठीक है, मान लिया, अभी सही गलत की बहस नहीं करते कि ये सही है कि गलत, थोड़ी देर के लिए मान लो यही करामतें और ये चीजें उनके यहां थी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक 80 साल तक पूरी जिंदगी पढ़ते रहे, उनको हम रसूल का मकाम दे दें? क्या ये जायज है? दुनिया का कोई एक आलिम और एक मुफ्ती ये बोल सकता है कि अल्लाह ताला ने रसूल को जो मकाम दिया है, वमा आताकुम रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल दे ले लो, जिससे मना कर दे रुक जाओ, क्या कायनात की कोई भी हस्ती इस मकाम को पा सकती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर कोई हज़रत ईसा हज़रत मूसा की पैरवी करे आपके दीन के मुकाबले में तो गुमराह हो जाएगा। जिसने मौजूद है पैगंबर, पिछले पैगंबर जो पैगंबर है बरहक है, उनकी बात को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कोई रद्द करेगा तो कुरान अल्लाह के रसूल फरमाया गुमराह हो जाएगा। तो फला बुजुर्ग, फला पीर, फला वली, फला शख्सियत, अब्बा दादा परदादा, फला मुफ्ती साहब, इनकी क्या हैसियत है? गौर करने की बात, ये साबित करने की पहली बात है कि वही यहां कसम बिल्ला जो अल्लाह को पकड़ लेगा, उसके दीन को मजबूत पकड़ लेगा, फकत हो दिया इला सिराते मुस्तकीम, तो वो सिराते मुस्तकीम की राह पा गया, वो सिराते मुस्तकीम पर है जो अल्लाह को पकड़े, फना और फना को नहीं। ये नंबर एक बताया। दूसरा, पहली चीज क्या है? कुरान हदीस को मजबूत पकड़ना साबित करने के लिए। दूसरी चीज का है अल्लाह अज़्ज़ा वजल का तक्वा, रोजा भी इसी जाए लातक मुतको, और मुतकियों के लिए सारे वादे हैं दुनिया के और आखिरत के कुरान में। यहां फरमाया वो खुतबतुल हाजा में पढ़ते हैं, हमारे निकाह के वक्त भी ये खुतबा पढ़ा जाता है, क्या उसकी पहली आयत पढ़ते हैं, या अय्युहल लदीना आमनु तक्कुल्लाह हक्का तुकाती वला तमुतुन्ना इल्ला वा अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह का तक्वा इख्तियार करो वैसा जैसा कि तक्वा इख्तियार करने का हक है, और तुम्हारी मौत हरगिज ना आए, मगर जब आए तो तुम मुसलमान हो। अब हमें पता है क्या कि कब मरने वाले हैं? नहीं मालूम, जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, किसी को नहीं पता। लिहाजा जब यह पता नहीं है तो हमें हर वक्त मौत का इस्तकबाल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस्लाम की चीजों पर अमल, अगर कभी बशरी सकादे से कोई गुनाह हो गया, गलती हो गई, फौरन जैसे ही एहसास हो फौरन तौबा करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि गुनाह की हालत में बगैर तौबा के अल्लाह हमारे मौत आ जाए। तो इस्लाम की हालत में यानी अल्लाह की ताबेदारी की हालत में हमारी मौत हो। यह आयत जब नाज़िल हुई सहाबा को शाक हुई कि हम अल्लाह के तक्वे का हक कैसे अदा कर सकते हैं, तो अल्लाह ने कुरान की दूसरी आयत पढ़ी, फत्तकुल्लाह मस्तताअ, जितनी तुम्हारी ताकत है उतना डरो। हमारे अंदर जितनी ताकत है उतना डरना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने इसकी बड़ी मुख्तसर और बड़ी जामे तशरीह की कि अल्लाह से तक्वा, हक़े तक्वा कैसे किया जाए, वो इस तरह से कि अल्लाह का मुसलसल जिक्र किया जाए, अल्लाह को भूला ना जाए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र किया जाए, नाशुक्री ना की जाए, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए, नाशुक्री ना की जाए, और उसका मुसलसल जिक्र किया जाए, उसको फरामोश ना किया जाए। हम पर हर वक्त हमें अल्लाह याद रखना चाहिए। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर जो अज़कार सुबह शाम के अज़कार की इतनी फजीलत है, बल्कि अल्लाह के रसूल से एक रिवायत की भी है कि रोजे की हालत में भी अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक अच्छा रोजेदार कौन है, तो आपने फरमाया कि अक्सरु ज़िक्रलिल्लाह, कि जो वो रोजेदार जो सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करता है। अल्लाह के जिक्र का एक मुस्तकिल उनवान और बहुत अहमियत की चीज है। ये जिक्र अगर हम जबान से करते हैं, दिल में नहीं है और हमारे मामलात में उसके असरात नहीं है, तो ये जिक्र कोई माना नहीं करता। जब हम अल्लाह अकबर कह रहे हैं, अल्लाह सबसे बड़ा, जबान से कह रहे हैं, तो दिल में भी होना चाहिए कि हम छोटे हैं, वरना छोटे हैं। सारी कायनात के लोग अल्लाह के मुकाबले में छोटे हैं, कोई हैसियत नहीं रखते। अब अगर कोई तकब्बुर कर रहा है, अन्ना का शिकार है, मैं नहीं मानता, एक हदीस सुनाई जाए, कुरान की आयत सुनाई जाए कि भाई ऐसा ऐसा झगड़ा हुआ है, आप माफ कर दीजिए, आप जो फला चीज खा रहे हैं वो हराम है, वो छोड़ दीजिए, आप अपनी बहन पर, अपनी बेटी पर, अपनी बीवी पर जुल्म कर रहे हैं, मत कीजिए, ये अल्लाह ने मना किया है, मैं क्यों मानूं? ये तकब्बुर आ गया कि अल्लाह अकबर नहीं कह रहा है उसका अमल, जबान से तो कह रहा है, अमल से नहीं कह रहा है, अपने आप को बड़ा मान रहा है, अल्लाह की बात नहीं मान रहा है। तो अल्लाह का जिक्र हमेशा हो तो हमारी जिंदगी हर मकाम पर अल्लाह के दीन की ताबेदारी करेगी। तो तक्वा पहले, ये आयत जो बताई
आयत नंबर 102, 101 थी, 102 में तक हो। पहले कुरान हदीस को मजबूत पकड़ना, दूसरा तक हुआ। ये जब दो चीजें होगी तो इंसान जाती तौर पर अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बनेगा। अब जब आप अच्छे मुसलमान बन गए तो अब अकेले में नहीं रह सकते, समाज में रहते हैं, आपको जुड़कर रहना है। तो तीसरे नंबर पर कहा अल-इहतिसाम बिल्लाह वल-हुदूमुल जमाअह, अल्लाह को मजबूती से पकड़ना और जमात को लाजिम पकड़ना, मुसलमानों की जो अहले हक की जमात है उसको पकड़ना। अल्लाह ने फरमाया वअतसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन, अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से पकड़ लो। ये दुरूस रमजान या मजालिस कुरान में शेख रबी ने इन्हीं आयतों पर काफी तफसील से दर्स दिया रमजान की मजलिस में। मेरा था कि मैं उस पर गुफ्तगू करूं, लेकिन इख्तिसार के साथ हम उस मजमून को समझ लें कि अल्लाह कह रहा है कि कुरान हदीस को और तक्वे को जब आपने इख्तियार कर लिया तो तीसरे नंबर पर अल्लाह के सम्मेल कर रस्सी पकड़ो, मतलब जमात को लाजिम पकड़ो। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान है, इस्लाम है, सिरात मुस्तकीम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन। अब तशरीह इससे भी करें, सभी दूसरे से जुड़ी हुई चीजें, तो उस रस्सी को सबको मिलकर पकड़ना है। वला तफर्रुकू, और फिरका फिरका नहीं बनना है। अब फिरका फिरका इसका मतलब यह कि जब हम अल्लाह की रस्सी को मिलकर पकड़े रहेंगे तो फिरके खत्म हो जाएंगे। फिरका है इसका मतलब रस्सी को मिलकर हमने पकड़ा नहीं है। आज मुसलमानों के फिरके हैं, क्यों है? इसलिए कि रस्सी को मिलकर नहीं पकड़ा। तौहीद और इत्तेबाए सुन्नत पर सब लोग जमा नहीं है। अब हम अगर कहते हैं कि भाई वो शिर्क है, वो बिदत है, वो खत्म कर दो, कुरान हदीस और सुन्नत पर आ जाओ, तो कहते देखो इख्तिलाफी मसला छोड़ रहे, इख्तिलाफी आपने किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयतों में आगे में दुद्दू रबी साहब ने बयान किया कि यहूद और नसारा की इन आयतों में अल्लाह ने मुज़म्मत किया कि इन्होंने फिरका बंदी इख्तियार की, और दूसरी आयतों में कहा कि ला ओ इन लजीना फरकू दीनहुम व कानू शियअन नस्तमिनु फी शय व ला तकूनु मिनल मुशरिकीन मिनल लजीना फरकू दीनहुम, मुशरिकीन में से ना हो जाओ उन लोगों में से जिन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसका मतलब दीन को टुकड़े करना मुशरिकीन का काम है, बिदअतियों का काम है। तो जो शिर्क और बिदअत करता है वो दीन का टुकड़ा करता है, कुरान कह रहा है। यहूद और नसारा में भी यही थे। शेख रबी ने कहा कि उम्मते मुस्लिमा में भी जिन लोगों ने दीन को बांटा अलग अलग मसलक में, वो या तो शिर्क करने वाले हैं या बिदत करने वाले हैं। राहे हक से सही मनहज से जो हट गया वो फिरका बनाया, नया रास्ता बनाया। जो उसी रास्ते पर चल रहा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का है, वो सिराते मुस्तकीम पर है, वो जमात नहीं है, वो फिरका नहीं बना, वो उसी रास्ते पर चल रहा है। यही अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना। अब अगर उसी रास्ते पर लोग जमा होते ना, इत्तेहाद होता जाएगा। तो तौहीद सब के लिए, तौहीद रब जरूरी है। रब को एक मानो, मोहम्मद सल्लल्लाहु के दीन पर इकट्ठा हो जाओ, तो तौहीद, तौहीद सब यानी इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम होगा। काश के तफसीली मौका होता। अल्लाह ने आगे फरमाया वज़कुरु निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअ'दाअ फअल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जबकि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, जानी दुश्मन। एक एक मामले पर सालह साल झगड़े होती थी मक्का वालों में, मदीना वालों में, जाहिलियत के जमाने में। फअल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना, लेकिन तुम अल्लाह की नेमत के जरिए से भाई भाई बन गए। अल्लाह की कौन सी नेमत थी जिससे भाई भाई बन गए? इस्लाम। आज उस इस्लाम को हम अराज मानते हैं, मसलक के झगड़े, बिरादरी के झगड़े, इलाके के झगड़े, घर में भाई भाई के झगड़े, विरासत के और किसी किसी बुनियाद पर चाचा से झगड़ा, भतीजे का फला का झगड़ा फला से, पड़ोसी का झगड़ा पड़ोसी से। इस्लाम की नेमत पाने के बाद अहले जाहिलियत एक दूसरे के लिए ऐसे भाई हो गए कि हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। कहते थे सहाबा का मक्का से मदीना गया था अब्दुर्रहमान बिन औफ को अल्लाह के रसूल ने अंसार में से सहाबे नबी का भाई बनाया मुआखात के तौर पर। तो कहा ठीक है भाई हो गए हो, चलो मेरे घर, ये मेरा घर है, ऐसे बुखारी में है, ये मेरा घर है, मैं इसको आधा आधा करता हूँ, आधा आप ले लो आधा मैं ले लो, मेरी दो बीवी है, आप देखो जो पसंद आया मैं इनको तलाक दे दूंगा, इद्दत के बाद आप निकाह कर लेना। हाँ सगा भाई ऐसा कर सकता है। कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, समंदर से एक कतरा, सहाबे करम के मुआशरे में ऐसी बहुत सी मिसालें कुर्बानियों में मिलेगी। भक्त अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा कि बारकल्लाहु फी मालिक व अहलिक, अल्लाह आपके माल और अहल व आयाल में बरकत दे, मुझे ये नहीं चाहिए, आप बाजार का रास्ता बताओ। बाजार गए, वहां तजारत की, अल्लाह ने खूब बरकत दी, मालदार बन गए। तो फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, अल्लाह की नेमत की वजह से तुम भाई भाई बन गए। वकुंतुम अला शफा हुफ्रति मिनन नार, और तुम जहन्नम के किनारे पर थे, उसके कहने पर थे, तो अनतलकुम मिनहा, अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया। कदालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाती लअल्लकुम तहतदून, अब
अपनी आयतों को अल्लाह ताला इसी तरह साफ साफ खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम हिदायत पा जाओ। इन आयतों पर गौर करो, हमारे लिए हिदायत का पूरा सामान है। अब हम मानना ना चाहें, समझना ना चाहें, तो यह अलग बात है। सारे मुसलमानों को कहा जा रहा है, सारे इंसानों को कहा जा रहा है। सारे मुसलमान कुरान की ये दो तीन आयतें भी अगर समझ लें तो दीन पर मजबूत हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, इत्तेहाद होगा, और इत्तेहाद होगा अल्लाह की बरकत आएगी, कुव्वत होगी, वरना हवा उखड़ जाएगी, जैसा कि कुरान में दूसरे मकाम पर कहा गया। चार नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है कि जमात को लाजिम पकड़ा जाए, उसके आदाब उसूल हैं, और जमात और इत्तेहाद की अपनी एक अहमियत है, और ये इत्तेहाद और जमात कुरान और हदीस और तौहीद पर होगा। तौहीद को सुन्नत को जाय करके नहीं होगा कि शिर्क भी करो, तौहीद भी करो, बिदअत भी करो, सुन्नत में भी रहो, सब एक हो जाओ, ये कभी नहीं होगा, दिल कभी नहीं मिलेगी। नंबर चार, साबित करने के लिए चौथी चीज जो जरूरी है, आप खुद सुधर गए, तकवा हो गया आपके अंदर, फिर जमात से आप जुड़ गए, अभी आपका फरीजा पूरा नहीं हुआ, अभी दूसरा काम, चौथा काम है अल्लाह रब्बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, मुसलमानों के लिए दीन की दावत देना। जैसे हम सांस ले रहे हैं ना जिंदा रहने के लिए, वैसे मुसलमानों की इज्तिमाई जिंदगी के लिए अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जरूरी है। अगर बुराइयों से रोकने का सिलसिला रुक जाएगा तो कौम पर अजाब आता है। कुरान हदीस की बहुत सी दलीलें हैं। एक गुनाह हो रहा है समाज में और आप देख के खामोश हैं तो आप अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं। इसकी मिसाल दी बुखारी की रिवायत में कि कश्ती में ऊपर वाले नीचे वालों से पानी मांगते हैं, उन्होंने नहीं दिया। अब नीचे वाले ऊपर वालों से पानी मांग रहे, नहीं दिया। नीचे वाले कश्ती की नीचे तह में बेते में सुराख करते हैं कि हम सुराख करके पानी ले लेंगे। जब वो सुराख करेंगे तो पानी कश्ती में घुसेगा, कश्ती डूबेगी, तो डूबेगी तो क्या सिर्फ नीचे वाले गर्क होंगे? नहीं, नीचे वालों के साथ ऊपर वाले भी डूबेंगे। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर भी इसीलिए जरूरी है कि बुराई से अगर आपने नहीं रोका तो अल्लाह का अजाब आता है। आगे इन्हीं आयतों में आयत नंबर 104 में अल्लाह ने फरमाया वत्तकु मिनकुम मन यदउन इलल खैर वयकुलून बिल मारूफ वयनहून अनिल मुनकर। तुम्हें एक उम्मत होनी चाहिए, वत्तकु मिनकुम में मिन को कुछ लोगों ने तबीज किया, कुछ लोगों ने बयानिया माना। सारे मुसलमानों को बयानिया माने तो सारे मुसलमानों को दावत का फरीजा आयत होता है। मर्द और औरत को सुबह के दर्स में मैंने बयान किया, हर एक को अपने इल्म, अपनी ताकत और अपने दायरे के इत्तेबार से ये फरीजा निभाना है। तो तुम्हें एक जमात हो जो खैर की तरफ लोगों को बुलाए, वयकुलून बिल मारूफ, मारूफ का हुक्म दे, वयनहून अनिल मुनकर, और मुनकर से रोके। मारूफ में सबसे बड़ा मारूफ तौहीद है, मुनकर में सबसे बड़ा मुनकर शिर्क है। तो शिर्क का तौहीद का हुक्म देना, शिर्क से रोकना, ये अल्लाह कह रहा है। अब हमारे यहाँ बहुत सी दावतें मौजूद हैं, कोई फजाइल की दावत दे रहा है, कोई हकमियत की बात करता है, कोई तसव्वुफ की और कोई फना और फना चीज की बात करता है, और शिर्क से नहीं रोकते कि इसमें झगड़ा होगा, बिदअत से मना नहीं करते, तौहीद की दावत नहीं देते, अपनी दावत और अपने अपने मनहज की बुनियाद तौहीद को नहीं बनाते, जो तमाम अंबिया का तरीका था। कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है, तो दावत कामयाब कहां से होगी, मौसिर कहां से होगी? अल्लाह ने फरमाया वगुलाई का हुम मुफलिहून, यही लोग फलाह पाने वाले हैं। वो जमात जो भलाई की तरफ बुलाएगी, नेकी का हुक्म देगी, बुराई से बचाएगी, यही फलाह। मतलब इसका उल्टा माना क्या हुआ कि अगर हम नेकी को लोगों को नेकी का हुक्म ना दें, बुराइयों से ना रोके, तो हम फलाह पाने वालों में नहीं होंगे। नंबर पांच और आखिरी साबित करने की बुनियाद बताई कि तरकुल इख्तिलाफ फी दीन, दीन के मामले में इख्तिलाफ को छोड़ देना। यहूद और नसारा ने जो तरीका इख्तियार किया था, अगर वो इख्तियार करोगे तो इख्तिलाफ होगा, फिरकाबंदी होगी, झगड़े होंगे, अल्लाह की रहमत रूठेगी और मुसलमानों की कुव्वत बारा बारा हो जाएगी, बिखर जाएगी, गैर मुस्लिम इन पर टूट पड़ेंगे जैसे दस्तरखान पर भूखे टूटते हैं। ये कैसे होता है? बिदअत और खुराफात से ये इख्तिलाफ होता है। पर फरमाया वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात, उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो फिरकों में पड़ गए, इख्तिलाफ में पड़ गए, बात इसके कि उनके पास वाज़ेह दलीलें आ चुकी थी। वाज़ेह दलीलें आ जाने के बाद इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है। जरूरी है कि एक मुसलमान बंदा वाज़ेह दलील को कबूल कर ले, कुरान हदीस को मान ले। जब कुरान हदीस को मान लेगा तो इसका मतलब फिरका बंदी और इख्तिलाफ खत्म होगा। इख्तिलाफ और फिरका कब होता है? जब कुरान हदीस को ना माना जाए, दलायल और बय्यिनात को ना माना जाए, जैसा कि इस आयत में इशारा मौजूद है, मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात वउलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, इन्हीं के लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है। इस उम्मत के फिरकाबंदी करने वाले वही लोग हैं जो दीन में नए नए उसूल, नए ज़ाब्ते, बिदात, खुराफात, नए रास्ते और नए मसलक बनाते हैं, और उनके लिए ये वही है। तो इससे बचना दीन पर साबित कदमी के लिए जरूरी है। ये कुरान की तालीम है, सूरह आल इमरान में इंतहाई शानदार तालीम हमको मिलती है। अब तकवा, कुरान हदीस को पकड़ा, तकवा इख्तियार किया, आप सुधर गए, जमात से जुड़ गए, इज्तिमाइयत बन गई। फिर जमात का इज्तिमाई काम क्या है कि मिलजुल कर दावत का काम करें, दिफा करें, कुव्वत का इस्तेमाल करें।
ये काम जब मुसलमान की तीन स्टेप अगर मुसलमानों में रहेगी तो मुसलमान दुरुस्त होंगे और दुनिया की कोई ताकत इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, वक्त का अमरीका हो या कोई भी हो। आगे मीन फवायद की सूरत, इस सूरत के फवायद लताइफ के तहत इन्होंने दो तीन मुकाम बयान किए हैं। फरमाया कि अल्लाह तआला ने इसकी सूरत में एक जगह कहा या मरियम उक्नुती रब्बी की वस्जुदी वरकई मा रकई, ऐ मरियम अपने परवरदिगार की इताअत करती रहे। एक खातून को खिताब करके कहा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। देखिए इनके खानदान में इस सूरह का नाम है आल इमरान, सूरह मरियम एक सूरह अलग से है। और शायद मैं जानता हूं कि खवातीन में यही एक औरत है जिनका कुरान में नाम के साथ जिक्र है, ये बड़ी कामिल खातून, कुव्वत तो औरतों में नहीं थी लेकिन नबी की ये वालिदा है और इनका बड़ा ऊंचा मकाम है। चुनांचे अल्लाह ने कहा ऐ मरियम अपने परवरदिगार की फरमाबरदारी करती रहे, वस्जुदी सजदा कर, वरकई मा राकीईन और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। कुरान की इस आयत से ये भी सबूत मिलता है कि औरतें जमात से नमाज पढ़ सकती हैं। अल्लाह ताला कह रहा है वरकई मा राकीईन रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। क्या इस आयत के जिम्मे में दो तीन माना इन्होंने बयान किया कि बंदे के लिए, इस आयत से पता चलता है कि बंदे के लिए मुनासिब है कि खूब इबादत करे। अल्लाह ताला जिस बंदे पर जितनी नेमत कर रहा है उतनी इबादत करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कि रात में इबादत करते थे पैरों में वजन वरम और सूर्य नाजा। पूछा जाता था कि आप तो ऐसे आला मकाम के फिर ये मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो आप कहते थे क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं। ये हज़रत मरियम का किरदार नकल किया हमारे सामने कि अल्लाह की खूब इबादत करती थी, तो बंदे को ये करना चाहिए। दूसरा कि आयत में आप देखें कि अल्लाह ताला ने औरत की नमाज के लिए जब उसकी अकेले वो नमाज पढ़े तो घर में नमाज को सजदे से जिक्र किया वस्जुदी, तो इसका मतलब अकेले भी नमाज पढ़ो। और आगे वाले जुमले में कहा वरकई मा राकीईन जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए रुकू का लफ्ज इस्तेमाल किया। बहुत प्यारा नुकता बयान किया अजीब गरीब कुरान में, आप जितना डूबेंगे उतने मोती मिलेंगे। तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत मरियम को कहा कि तुम नमाज पढ़ो अकेले घर में तो वस्जुदी कहा, और जब जमात के साथ पढ़ो तो उसके लिए कहा वरकई मा राकीईन। यहाँ क्या नुकता निकाला इन्होंने ये बयान किया उलमा के हवाले से कि जमात की नमाज रुकू से, इसमें ये एक इशारा है कि सजदा रुकू से अफजल है, नमाज में सजदा रुकू से अफजल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब सजदे में होता है। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही वहुवा साजिद, जब सजदे की हालत में होता है तो बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सजदे की हालत अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, अल्लाह बंदे की सबसे कुर्बत की हालत है। अगर आपको कोई दुआ मांगना है तो सजदे में मांगिए, ज्यादा कबूलियत का इम्कान है। फकज़ालिक सलातुल मर्अ, अब देखिए सजदा ज्यादा अफजल है रुकू के मुकाबले में। और अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को कहा अकेले नमाज पढ़ना है तो कहा सजदा करो, जमात से पढ़ना है तो रुकू करो, यानी अकेले के लिए अफजल वाला और जमात के साथ पढ़ने वाले को कम अफजल वाला जिक्र किया। तो इससे इन्होंने ये कहा कि इसी तरीके से औरत की नमाज जब अपने घर और अपने खास जगह पर मेहराब में होती है, हज़रत मरियम मेहराब में पढ़ती थी, तो अकेले की नमाज पढ़ना औरत के लिए जमात की नमाज से ज्यादा अफजल है, इसमें कोई शक नहीं कि घर में औरत का नमाज पढ़ना बेहतर है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मस्जिद में आने से उसका दरवाजा बंद कर दिया जाए और वो मस्जिद में बिल्कुल ना आए। मैं ऐसा मानता हूं कि मस्जिदों से अपनी मुस्लिम खवातीन का रास्ता बंद कर देने का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं कि हमारी बच्चियां दीन से दूर हो गई, वो टीवी चैनल पे सीरियल को देखती हैं, फिल्में को देखती हैं, गंदे मकामात पर, तफरी की जगहों पर, कॉलेज में बेपर्दगी की जगहों पर तो जाती हैं, मस्जिद में नहीं आती जहां दीन सुने, दरस सुने, कुरान हदीस की बातें सुने, अकीदे की अहमियत जाने, अपने दीन की अहमियत को जाने। नतीजा वो दीन से दूर और दूर तर होती चली गई। आज हमारी बच्चियां हमारे पूरे कौम के लिए तमाचा बनकर बेगैरती का सामान फराहम कर रही हैं कि गैरों के साथ उनके रिश्ते और ताल्लुकात हो रहे हैं, खबरें आ रही हैं और हम बयान करने पर मजबूर हैं जो बयान करते हुए भी बुरा महसूस होता है। तो बहरहाल औरतों की ये बिल्कुल सही है कि मस्जिद में, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई औरत मस्जिद में नमाज पढ़ना जा रही है ला तमनाउ इमा अल्लाह अबुयुतिल्लाह, बुखारी मुस्लिम तिर्मिज़ी हर हदीस की किताब में मिलेगी ये हदीस, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घरों से बंदों को अगर कोई औरत मस्जिद जाके नमाज पढ़ना चाहती है तो किसी मर्द को ये अख्तियार नहीं है कि रोक दे। कहते हैं कहते उमर फारूक ने रोक दिया था, मैंने बहुत ढूंढा अपने हनफी दोस्तों से पूछा, किसी ने कोई दलील नहीं दी,
बल्कि बुखारी ने एक रिवायत लिखी है कि एक मरतबा उनकी बीवी नमाज पढ़ के लौटी हजरत आतिका मस्जिद से, तो हजरत उमर के बेटे ने कहा आजकल इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला, ये भी बुखारी वगैरह में, कि आप मस्जिद गई थी, क्या आपको पता नहीं कि उमर फारूक को ये नापसंद है आपके शौहर को, तो अगर उन्हें नापसंद है तो मना क्यों नहीं करते, मुझे मना करें। तो कहा कि मना इसलिए नहीं करते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि औरतें अगर जाएं तो तुम रोक नहीं सकते, तो कहा जब वो नहीं रोक सकते तो मना नहीं करेंगे तो मैं हमेशा जाऊंगी, अल्लाह की कसम मैं जाती रहूंगी और जाती है। हजरत उमर ने मना नहीं किया, क्यों नहीं किया, अल्लाह के रसूल ने मना करने से मना किया। और आज हमारे लोग जुरत करते हैं कि नहीं जाना चाहिए, फितने का दौर है, अब कोई मुफ्ती फतवा दे रहे कि गैर मुस्लिमों से शादी कर रही है तो कॉलेज जाना बंद कर दे, फितना नहीं है, इससे बड़ा फितना क्या होगा कि अकीदा दीन और आखिरत गवा देवे, अपनी अपने दीन को गवा देवे, यहां फतवा दीजिए, फतवा ना दे रहे हैं तो कम से कम हिफाजत का इंतजाम कीजिए। और उस इंतजाम में से एक यह है कि औरतों को मस्जिद से दीन से जोड़िए। तो बहरहाल देखो ये एक मुद्दा बयान किया, कह रहे हैं कि और सुनाए सुन्नत मुतहरा भी इस मानी को बयान करती है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि औरत के लिए उनको खिताब करके अबू उमर साइदी की बीवी से अल्लाह के रसूल ने कहा कि सलात के फिदारे के खैर उन सलात के फी मस्जिद कौम है, कि तुम्हारे नमाज तुम्हारे घर में तुम्हारे घर कौम की मस्जिद के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। हाँ, ये हवाले वगैरह दिए हैं, ये एक नंबर एक था। नंबर दो बयान की इस सूरत में सूरह आल इमरान में एक आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी को नेकी के मकाम को नहीं पा सकते यहाँ तक के अल्लाह के रास्ते में वो चीज खर्च न करो जो तुम्हें पसंद हो, अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लामा इब्ने हुसैनी रहमहुल्लाह इस आयत के जिम्न में एक प्यारी बात कहते हैं कि हमको और आपको हर इंसान को ये चाहिए कि इस आयत पर गौर करे चाहे एक मरतबा, और इस आयत की रोशनी में ये देखे कि हमारी जिंदगी में कौन सी चीज मेरे पास है जो मुझे बहुत पसंद है, उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, ताकि आयत का ये मकाम और ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेकी का मकाम बताया है हम इसे हासिल कर सकें। गौर करें मेरी जिंदगी में मेरे पास सबसे कीमती चीज क्या है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मिजाज लोग ये बोलते हैं, मुहावरा बोलते हैं हंस के मरी मुर्गी अल्लाह के नाम, मुर्गी मर गई तो अल्लाह वास्ते खर्च कर, वो कपड़ा फट गया हम इस्तेमाल नहीं कर सकते तो गरीबों को दे दो, खाना खराब होने लगा भूख लगी तो भूखे को दे दो। अरबों में आज भी लन तनालुल बिर्रा वाला मिजाज है कि वो खजूर जो हमारे बाग में सिर्फ पैदा होती है बहुत कम होती है, बाजार में नहीं बिकती, बहुत कीमती खजूर है, उसको रखेंगे रोजेदार लोगों को इफ्तार करवाएंगे, नेकी में लगाएंगे, इससे पैसा नहीं कमाएंगे, अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे। तो नेकी पाने के लिए आला से आला चीज साबित कदमी का नमूना दो औरतों को बनाकर पेश किया। हमारी माए बहन ने सुने दो औरतों को साबित कदमों का नमूना बना के पेश किया, एक तो ज़ौजत इमरान, इमरान की बीवी, उन्होंने दुआ की थी रब्बे इन्नी नजर को लगा माफी बदली मुहर्रा, मेरे पेट में जो बच्चा है परवरदिगार मैं उसको तेरे लिए मुहर्रा मेरे दीन के काम में लगाऊंगी, बच्चा पैदा नहीं हुआ और एक औरत मुस्लिम औरत मोमिना औरत ये कह रही है कि पैदा जो भी बच्चा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा की बजाय बच्ची पैदा हुई हजरत मरियम, तो इस पर उनको अफसोस हुआ, पढ़िए सूरह आल इमरान, मैंने तो बच्ची पैदा कर दी, औरत नहीं होती वो काम नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह तबारक ने उनकी नियतें सादता की बुनियाद पर उनकी बेटी को भी वो मकाम दिया जिससे बहुत सारे बड़े बड़े मर्द नहीं पहुंच सकते इस मकाम, गर्चे नबूवत नहीं मिली लेकिन नबूवत की नबी की वालिदा बन गई और आला मकाम से अल्लाह ने नवाजा। तो इनका जज्बाए दीन देखिए, हज़रत इमरान की बीवी जो हज़रत मरियम की वालिदा थी कि मैं अपने पेट के बच्चे को दीन की खिदमत में लगाना चाहता हूँ, हमारे यहाँ कोई अच्छा बच्चा पैदा हो तो उसको साइंटिस्ट बनाएंगे डॉक्टर बनाएंगे ये बनाएंगे वो बनाएंगे, अगर एक बच्चा ऐसा है जो बिगड़ गया है हाथ से निकल गया है काम नहीं कर रहा है मेहनत नहीं कर रहा है उसे मदरसे में डाल दो, फिर बाद में बोलते हैं कि वो उलमा शरीफ होते हैं, ये मिजाज अच्छा नहीं है। कीमती चीज यहां भी डालिए, आपका जो अच्छा बच्चा है उसे दीन के लिए लगाइए, दीन की तालीम से बढ़कर कोई नबियों के पास जो इल्म था क्या उसकी कदर और कीमत हल्की है, हमारे
हमारे यहाँ भाग्य समझा जाता है, कमतर समझा जाता है, ये बदकिस्मती की बात है, दीन से दूरी की बात है, दीन की नाकदरी की बात है। हाँ, एक औरत को जोजाए वो इमरान थी, दूसरे मरियम बिन्त इमरान, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नमूने के तौर पर और एक औरत को खातून को पेश किया, और बदबन अल्लाह अल्लाह ताला ने उन पर एहसान किया कि उनके बेटे को नबी बनाया, और कौन सा नबी बनाया, उलुल अज़्म रसूलों में से आला दर्जे के जो रसूल पैगंबर है साहिब शरीयत, उन पर इंजील नाज़िल की और फिर उनको फजीलत से नवाजा, बचपन में उन्होंने बातचीत की, उनको अल्लाह रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह बगैर बाप के पैदा करने वाला बेटा बनाया। इस और फिर इन दोनों का नमूना था कि अल्लाह ताला ने इस मुबारक सूरह का नाम इस मुबारक खानदान के नाम पर रखा, सूरह आल इमरान, इस खानदान के नाम पर इस सूरत का नाम रखा, या इस खानदान को अल्लाह ताला ने हमारे आपके लिए, हमारी औरतों को उनके लिए एक रमज अलामत के तौर पर पेश किया। देखिए खवातीन का किरदार, एक ईमान वाली खातून का किरदार क्या होता है और क्या होना चाहिए, किस तरीके से उन्होंने अल्लाह के रास्ते में मेहनत की। चुनांचे ये हम कह सकते हैं कि साबित कदमी की जो तालीमात इसमें दी गई है, ईसाइयत और अल्लाह के रसूल और सहाबा के जो गज़वा उहद के तनाज़ुर, ये सारी चीजों के बाद भी सूरह मरियम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र किया गया, उनके घर का जिक्र किया गया और उस बुनियाद पर इस सूरह का नाम रखा गया, तो हम कह सकते हैं कि इस सूरह में साबित कदमी का रम्स अलामत और निशानी औरतों को बनाया गया है कि खातून भी ईमान वाली हो तो लोगों के लिए नमूना बन सकती है। आखिरी नंबर पर इन्होंने जिक्र किया एक आयत को, सुनिए नाली नास है हुक्म शहवात मिन निसा है والبنين والقناطير المقنطرة, एक आयत है सूरह आल इमरान की इब्तदाई आयतों में कि लोगों के लिए शहवतों की मोहब्बत पसंद महबूब बनाई गई है, औरतें बच्चे बहुत ढेर सारा माल सोने चांदी का ढेर घोड़े ये सब चीजें बयान की गई हैं कि इनसे लोगों को मोहब्बत होती है, जैसे आजकल हमारे यहाँ लोग दीन से ज्यादा आखिरत से ज्यादा दुनिया की तरफ भागे जा रहे हैं, तो ये शहवत की मोहब्बत है। अब लोगों के लिए यह खूबसूरत बनाई गई है तो किसने खूबसूरत बनाया, बाज उलमा ने कहा कि मुजय्यिद करने वाला खूबसूरत बनाने वाला अल्लाह है, बाज ने कहा कि शैतान है, अहले इल्म ने कहा कि इन दोनों में कोई टकराव नहीं है, अल्लाह ताला ने इन चीजों को पैदा किया तो फितरी तौर पर पैदा करने और मुहैया करने, उससे फायदा उठाने का इंतजाम अल्लाह ने किया, इस एतबार से अल्लाह ने खूबसूरत बनाया। और शैतान की तज़ीन क्या है कि वसवसा और धोखा डाल के इसमें मुब्तला करता है कि इन चीजों के पीछे पड़ जाओ, दीन को पीछे डाल दो, तो दोनों का माना अपनी अपनी जगह पर सही है। ये सूरह आल इमरान के तनाज़ुर में कुछ मज़ामीन, कुछ हिदायात और उसका तदब्बुराना खुलासा बयान किया। उम्मीद है कि हम इनके मज़ामीन को सुनने के लिए मज़ामीन को सुनने के बाद मज़ीद इसकी तफ़सीर पर गौर फिक्र करें।